So welcome back to my YouTube channel, guys. तो बहुत ही इजी है ये सॉफ्टवेयर सीखना. तो आज की वीडियो से हम ऑटोकैड सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को. तो ऑटोकैड इंस्टॉल करने के बाद इस तरह से आपको डेस्कटॉप पे शॉर्टकट दिखेगा, तो उस पर क्लिक करना है. तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है, लेफ्ट कॉर्नर पे क्लिक करना है आपको, फिर करना है न्यू, फिर सिंपली आपको ओपन करना है. तो इस तरह से आपको ये पेज दिखेगा. तो सबसे पहले हमें ये करना है कि कैप्सलॉक की ऑन करना है आपको, और इधर नीचे कमांड ऑप्शन में आपको क्लिक करके टाइप करना है यूनिट्स, और फिर एंटर कर देना है. फिर इस तरह से आपको एक विंडो दिखेगा, उसमें आपको करना यह है कि डेसिमल आपको आर्किटेक्ट रखना है, आर्किटेक्चर रखना है, डेसिमल रखना है, इंजीनियरिंग रखना है. तो मैं बेसिकली डेसिमल रखता हूँ. तो ये एक्चुअली क्या है, पॉइंट के बाद आपको कितना डिजिट रखना है, ये है ये. तो मैं यूजुअली पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखता हूँ. तो उसके बाद आपको जो प्लानिंग है वो आप किस में करना चाहते हैं, बेसिकली आप इंच में करना चाहते हैं, फिट में करना चाहते हैं, या फिर एमएम में करना चाहते हैं. तो मैं फ़िट में करता हूँ प्लानिंग, तो मैं फ़िट रखूँगा. तो आपको ओके कर देना है. तो ये हो गया आपका यूनिट सेट. उसके बाद आपको करना क्या है, लिमिट्स. तो कमांड सेक्शन में जाके फिर से आपको क्लिक करना है और टाइप करना है लिमिट्स, और एंटर कर देना है. तो लेयर लोअर लेफ्ट कॉर्नर अगर ऐसे कुछ आएगा तो आपको करना ये है 0.0, और फिर एंटर कर देना है. उसके बाद राइट कॉर्नर आपको करना है, यानी कि पेज का लिमिट कितना है करना है आपको. तो मैं बेसिकली 10,000 by 10,000 करता हूँ, 10,000, 10,000. तो कर देना है एंटर. तो ये हो गया आपका पेज रेडी एक्चुअल में. तो इसके बाद हम ऑटोकैड स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.